पंजाब हुकूमत की जानिब से 7 अरब रुपए की सब्सिडी से सूबा भर में 313 के करीब जो है वो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। रमज़ान बाज़ार लगाने का मकसद जो यही है कि मतवस्त तबके को जो है वो चीज़ों की जो है वो सस्ते दामों जो है वो फराहमी मुमकिन बनाई जा सके, ताकि तमाम लोग जो हैं वो अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से रमज़ान की ख़रीदारी कर सकें और अपने आप को जो है वो इस सहूलत का जो एक बाज़ार लगाया जाता है इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। यहाँ पर हम शादमान के अंदर मौजूद है जहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर चीनी भी जो की वाफर मकदार में मौजूद है और तमाम ज़िंदगी की अशिया जो है वो मौजूद हैं। उनके क्या दाम है, उनकी क्या क्वालिटी है, इस हवाले से जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हों उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कि आया यहाँ पर सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने के बाद जो है वो आवाम की जो अशिया फराहम की जा रही हैं वो उनकी क्वालिटी बेहतर है और दाम जो है वो मुनासिब हैं या नहीं। जी सर, क्या सूरत हाल है? जी बराए नाम ही है मोहतरम, कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। यहाँ रोज़े के साथ आदमी आता है कि चलें कुछ थोड़ी बचत हो जाएगी। फ्रूट नायाब है, बहाना ये है कि जो सुबह आई है गाड़ी और एक घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फ्रूट है नहीं, सिर्फ प्याज और आलू है, उसका रेट जो है बाज़ार से तकरीबन आप ठेलों पे देखें वहाँ पे इससे 2-4 रुपये कम मिल जाता है, यहाँ उससे 5-2 रुपये ज़्यादा ही है। और रमज़ान के साथ रोज़े के साथ लाइनों में लगे हैं और 2 काउंटर चीनी के बनाए हुए हैं मर्दों के और ख्वातीन के लिए, आप उनको कम अज़ कम 4-5 पॉइंट बढ़ा दें कि रोज़ेदारों को अजियत देना क्या ज़रूरी है। और ये जो सब्सिडी दी है आपने इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करें, ये रास्ते बंद हैं और गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी रुकी हुई है, एक दफ़ा सुबह आया सामान आया उसके बाद कोई नहीं आया, अब हम यहाँ खड़े इंतज़ार करते रहें कि गाड़ी किस वक्त पहुँचेगी और हम कब फ्रूट लेंगे या सब्ज़ी लेंगे। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। चीनी के हवाले से क्या कहेंगे कि चीनी की वो देखे आपके सामने लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मैं लाइनें दे के वापस आ गया, मैंने कहा इससे बेहतर है कोई 20-30 रुपये ज़्यादा खर्च कर लेंगे, यहाँ जलील होने से बेहतर है, ये जलालत है। जी जी, अच्छा जी, काफ़ी लोग यहाँ पर जो आकर हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, ये भाई साहब हमारे यहाँ पर ख़रीदारी करें, क्या समझें ये चीज़ जो मिल रही है यहाँ पर उसकी अपना सस्ते दामों मिल रही है? हाँ जी बेहतर है, काफ़ी बेहतर सस्ते। अच्छा, क्या सूट है, आपने क्या खरीदा है? जी मैंने ये शरबत वगैरह ली। अच्छा, तो ये सस्ते दामों मिले आपको? हाँ जी बेहतर है। अच्छा हाँ जी, यहाँ पे जी काफ़ी लोग यहाँ पे जो है अभी वो ख़वातीन भी जो है इस साइड पे देखा जाए कैमरामैन थोड़ा सा जो ख़रीदारी करने के लिए आई हुई है, लोग काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर आगे जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं और जो है वो मिले जुले जो है वो गाहक जो यहाँ पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई जो हमारे यहाँ पर आए हैं यह चीज़ ख़रीदने के लिए। आपके सामने यहाँ चीनी की लाइन देखें, बंदा रोज़े में आ रहा है, चीनी किस हिसाब से मिल रही है, लेडीज़ की भी बेहरमती और आदमियों को देखें ज़रा आप देखें, और वो फ्रूट कोई नज़र नहीं आ रहा, आलू हैं बस वो 44 रुपीस के किलो दे रहे हैं केजी, और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा जो चीज़ अवेलेबल है। अब लाइन चीनी जो है वो देखें आपके सामने ही है, और तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा जी, जो हल्के फुल्के सामान ले रहे हैं जो इतनी महंगाई के दौर में हल्का फुल्का ही हम तो लेके जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। जी जी, ये काफ़ी लोग जो इधर आए हुए थे वो अपने मिले जुले जो है वो रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जिनको चीज़ें मिल जाती हैं तो वो तो कहते हैं ऐसे अपने अंदाज से हमारे पास ठीक है, लेकिन जिसको चीज़ मिलने में ज़रा थोड़ी दुश्वारी पेश आती है या मुश्किल पेश आती है तो वो लाइन में लग कर, ज़ाहरी बात है जहाँ पर जब आप आएँगे तो एक प्रॉपर तरीके के मुताबिक लाइन में लगेंगे तो आपको चीज़ मिलेगी, तो उसमें अगर किसी को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है तो उनका यही कहना है कि जो है वो काफ़ी लाइनों में लग कर जगह चीज़ मिल रही है। और दूसरी चीज़ों की नायाब होने की वजह से, यानी कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है वो फ्रूट की अपना है कमी जो है महसूस की जा रही है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिल नहीं रही है। हमारे साथ एक उम्र हमारे साथी हैं जिन्होंने चीज़ ली खरीदी है यहाँ पे, उनसे पूछ रहे हैं जी कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर असल में आपके सामने ही है यहाँ पर कितना रश लगा हुआ है और किस तरीके से ये डील कर रहे हैं कस्टमर को, वो क्यू वाला कोई सीन नहीं है और ना कोई रेट्स में भी फर्क, आप यहाँ से ये क्रॉस करेंगे आगे कोई और रेट होगा, और बाहर जो केला है वो किस रेट है, यहाँ अंदर क्या केले का रेट जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है जी यहाँ पे चीज़ों की खरीद? चीज़ों की ऐसे ही है बस, जो चीज़ें नहीं बिकने वाली वजह रखी हुई है, साफ माल बाहर है, इधर कोई एक नंबर चीज़ नहीं बिक रही जी। आप कुछ बात करेंगे? हाँ जी, मैं इमरान खान साहब से यही बात करूँगा, आपने कहा था पेट्रोल महंगा करने वाला चोर, आज हर चीज़ की महंगी हो गई है, आपने कहा मैं गरीबों का साथ दूंगा, आपने देखो गरीबों को ही मार दिया है, लिहाजा मेहरबानी करें और गरीबों को सस्ती चीज़ें दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या कहेंगे आज के जी रमज़ान बाज़ार के बारे में? रमज़ान बाज़ार तो ठीक है लेकिन क्वालिटी कोई नहीं है, और लोग एक चीनी के लिए जिस माशरे में लाइनों में लग के इतना जलीलो ख्वार हो रहे हैं, क्या फ़ायदा इस माशरे में ज़िंदा रहने का? और आपके सामने है, ज़रा एक नज़र इधर दड़ाएँ देखें ज़रा कि लाइन में सुबह से आ गई 60
30 रुपए बचाने हैं और 30 रुपए के लिए पता नहीं 4 से 5 घंटे लग रहे हैं उसे। अभी मैं आया हूँ, थोड़ा सा सर्वे करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हालात हैं, क्वालिटीज़ क्या है। लेकिन बाहर मैंने पूछा, लोग कह रहे हैं कि जी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। हाँ जी, सब कुछ ठीक है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, तो शुक्र है चलो इधर से अच्छी चीज़ें मिल गई। जी जी, ये हमारी बहन हमारे साथ मौजूद थी, जो हर गाहक जो है वो अपने अपने रद्दअमल का इजहार कर रहा है। उनका यही कहना है कि चीज़ें जो है वो, एक तो आज पहला रमज़ान का पहला दिन है जिसमें अपना यहाँ प्रॉपर इंतज़ामिया जो है, अगर वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे तो चीज़ें जो जिस अंदाज से हुकूमत ने अपना दाम जो है वो इसके अशिया के मुकर्रर किए हैं, उन दामों पर फरोख्त मुमकिन हो सके, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी लोगों का रुझान भी होगा। और दूसरी जानब लोगों ने जो है जिसको चीज़ मिल जाती है वो तो अपना इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि ठीक मिल रही है, और जिसको थोड़ी सी दुश्वारी या परेशानी है या चीज़ नहीं मिल रही तो फिर वो अपने रद्दअमल का इजहार इस अंदाज से कर रहा है कि यहाँ पे चीज़ों की जो है वो अपना वाफर मकदार में मौजूद नहीं है। हुकूमत को चाहिए और इंतजामों को चाहिए कि रमज़ान बाज़ार तो लगाए हैं जहाँ से सब्सिडी दी जा रही है, यहाँ के चीज़ों की वाफर मकदार में और उनकी क्वालिटी को जो है वो बेहतर बनाए, ताकि जो लोग जिन लोगों के लिए ये रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो इससे अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सके। जी।